डीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। डीएस स्टूडेंट्स, बेसिक ग्रामर की उसी कड़ी में आज मैं पार्ट एट को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आप जानते हैं कि सब्जेक्ट पार्ट को मैं प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन करता आ रहा हूं। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट पार्ट के तीन भाग होते हैं, पहला क्वालिफायर, दूसरा होता है हेड वर्ड या मेन वर्ड, और तीसरा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो मैं प्रीवियस वीडियोस में क्वालिफायर्स को एक्सप्लेन कर दिया था, डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में फिर हेड वर्ड या मेन वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया था नेक्स्ट वीडियो में। तीसरा पार्ट इसका बचा था सब्जेक्ट का, जो है एडजेक्टिवल फ्रेज। आज की वीडियो में मैं एडजेक्टिवल फ्रेज पर ही डिस्कस करूँगा, एडजेक्टिवल फ्रेज को ही समझाऊँगा। बस यहीं से सब्जेक्ट पार्ट समाप्त हो जाएगा। तब अगली वीडियोस में मैं प्रेडिकेट के पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। आज यहीं पर एडजेक्टिवल फ्रेज समाप्त होगा, तो वहीं से सब्जेक्ट पार्ट भी समाप्त हो जाएगा सेंटेंस का। फिर बचेगा आपका सेंटेंस का दूसरा भाग, इसे कहते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट को मैं अगली वीडियोज़ में समझाऊँगा, तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। और यदि प्रीवियस वीडियोस न देखे हों तो डीपी सर इंग्लिश क्लासेस के चैनल में जा कर के, बेसिक ग्रामर के प्लेलिस्ट में जा कर के वो प्रीवियस वीडियो सभी देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखेंगे तो ये और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। ये सब्जेक्ट पार्ट का लास्ट पॉइंट है एडजेक्टिवल फ्रेज, चूँकि क्वालिफायर हो गया, हेड वर्ड मेन वर्ड हो गया प्रीवियस वीडियोस में, ये है एडजेक्टिवल फ्रेज। अर्थात अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये शब्दों के समूह होते हैं तथा अपना अपूर्ण भाव प्रकट करते हैं। ये ऐसे नाउंस के पश्चात लिखे जाते हैं जिनकी विशेषता बता रहे होते हैं, अर्थात एडजेक्टिवल फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्य का अंश। जो शब्दों के समूह होते हैं अपूर्ण होते हैं और अपना अधूरा अर्थ प्रकट करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्दों के समूह। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब विशेषता बताने वाले शब्दों के समूह। तो ये लगते कैसे हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट पार्ट में इनको हम पहचानेंगे, किस तरीके से ये अप्लाई किए जाते हैं, उनके बारे में समझिए आप। तो आपने यह देख लिया कि जो एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं ये नाउन संज्ञा के पश्चात ही लिखे जाते हैं, और उस नाउन के पश्चात ये लिखे जाते हैं जिनकी ये विशेषता बता रहे होते हैं। ये तो क्लियर है कि ये जो एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं उस नाउन के बाद में लिखे जाते हैं जिस नाउन की ये विशेषता बता रहे होते हैं। आशा है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिवल फ्रेज जो होते हैं शब्दों के समूह होते हैं और इनका अपूर्ण अर्थ प्रकट होता है, और ये उस नाउन के पश्चात ही लिखे जाते हैं, अप्लाई होते हैं जिस नाउन की ये विशेषता बता रहे होते हैं। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल देखिए, कुछ हमने लिखा हुआ है। पहला है, माय यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर। अब यहाँ पर देखिए कि माय यंगर सन इन कानपुर, ये हमारा हो गया आपका सब्जेक्ट पार्ट, और इज एन इंजीनियर हो गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट। क्योंकि वर्ब जहाँ से शुरू होता है लास्ट तक का पूरा भाग हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। तो यहाँ आप देखिए, माई यंगर सन, ये पूरा सब्जेक्ट हुआ जिसमें सन हमारा क्या हुआ, रूट वर्ड हुआ, हेड वर्ड हुआ। माई यंगर यहाँ पर हमारे क्वालिफायर हुए, और इन कानपुर ही हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ कि मेरा छोटा पुत्र कानपुर में एक इंजीनियर है। तो माई यंगर सन से लेकर इन कानपुर तक का पूरा भाग सब्जेक्ट हुआ, और इज एन इंजीनियर ये प्रेडिकेट हुआ। अब इसमें आपका जो इन कानपुर लिखा हुआ है यही एडजेक्टिवल फ्रेज है, क्योंकि शब्दों का समूह है
और सन नामक नाउन के पश्चात लिखा हुआ है, और यही एडजेक्टिवल फ्रेज इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि वह पुत्र जो है कहाँ रहता है, कानपुर में। तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज होते क्या हैं, शब्दों के समूह होते हैं, इनका अपूर्ण अर्थ निकलता है और ये उस नाउन के पश्चात लिखे जाते हैं जिसकी ये विशेषता बता रहे होते हैं। फिर दूसरा है ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन ए वॉल फ्लू अवे, कि एक काला कौवा जो दीवार पर बैठा था फ्लू अवे, उड़ गया। तो यहाँ पर देखिए ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन ए वॉल, यही भाग हमारा सब्जेक्ट हो गया और फ्लू अवे हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए सिटिंग ऑन ए वॉल ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है, क्रो हमारा हेडवर्ड या मेन वर्ड है, और अ ब्लैक हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर, क्वालिफायर में ए हमारा एडजेक्टिव हो गया, ब्लैक हमारा ए हमारा आर्टिकल हो गया और ब्लैक हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीटिंग ऑन ए वॉल जो है यही हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है और ये शब्दों के समूह क्रो नामक कौवे नामक इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि वह कौवा कहाँ बैठा है, एक दीवार पर बैठा है। अब अगला है दैट नॉटी बॉय विथ ए बॉल रैन अवे। अब यहाँ पे दैट नॉटी बॉय विथ अ बॉल ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया और रैन अवे हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब यहाँ पर विथ अ बॉल क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया जो कि विशेषता बता रहा है बॉय नामक इस नाउन की। यहाँ पर दैट नॉटी हमारा क्वालिफायर हो गया जिसमें डिटर्मिनर एडजेक्टिव बॉय हेडवर्ड हो गया और विथ अ बॉल हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। फिर दोज प्रिटी फ्लावर्स इन द गार्डन ब्लूम्ड, तो इन द गार्डन तक हमारा पूरा का पूरा भाग सब्जेक्ट हो गया, दोज प्रिटी फ्लावर्स इन द गार्डन पूरा सब्जेक्ट हुआ और ब्लूम्ड हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ब्लूम्ड माने खिले, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर इन द गार्डन क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया जो कि फ्लावर्स नामक इस हेड वर्ड मेन वर्ड की विशेषता बता रहा है। फिर हमारा तो फिर आप देखिए आगे दोज प्रिटी फ्लावर्स इन द गार्डन, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें इन द गार्डन क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, अब ब्लूम हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। यहाँ पर देखिए प्रेडिकेट पार्ट छोटा हो गया और सब्जेक्ट पार्ट में इतने ढेर सारे शब्द आ गए। फिर लास्ट है द वीक मैन विथ अ स्टिक इज़ वेरी रिच, कि वह कमज़ोर व्यक्ति जो छड़ी के साथ है या छड़ी लिया हुआ है बहुत धनी है। तो द वीक मैन विथ अ स्टिक ये पूरा भाग हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज वेरी रिच ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया क्योंकि वर्ब से फुल स्टॉप तक का भाग प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पर विथ अ स्टिक ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया जो कि मैन नामक इस नाउन का विशेषता बता रहा है। यहाँ पर क्या है विथ अ स्टिक ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है और मैन नामक इस नाउन का क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो विथ अ स्टिक यहाँ पर हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट भाग में मेन वर्ड या हेड वर्ड या रूट वर्ड के पश्चात जो शब्दों के समूह लग करके आते हैं, जो शब्दों के समूह लग करके आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाते हैं। अर्थात कि ये एडजेक्टिवल फ्रेज वे होते हैं जो नाउन के पश्चात लगते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं। तो आशा है कि आपको ये एडजेक्टिवल फ्रेज जो पॉइंट है समझ में आया होगा और यहीं पर आपका सब्जेक्ट पार्ट समाप्त होता है और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा प्रेडिकेट पार्ट जो कि नौवें पार्ट में मैं बताऊंगा प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में और यहीं पर सब्जेक्ट पार्ट आपका समाप्त होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।